अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं तमाम मेरे हीरा फैमिली को मैं सफिया शेख की जानिब से सलाम अर्ज करती हूँ। देखिए आप लोग पैनिक मत होइए, सुने ऐसा वो छः महीने का टाइम दिया CCS ने, तो उनके बाप का राज नहीं है, समझे ना, कि 6 महीने तक आप खामोश नहीं बैठने वाले, वो कुछ ना तो कुछ करेंगे। यही 8-15 दिन के अंदर ही रिजल्ट अच्छा आएगा इंशाल्लाह। क्यों, और मेरे ख्याल से सलमान मिर्ज़ा को भी वीडियो डायरेक्ट डालना नहीं चाहिए थे, पहले आपा से राय मशवरा लेने का था, जो बड़े हैं ग्रुप के अंदर उनसे राय मशवरा लेके वीडियो भरने का था। और मालूम है हर जुम्मे को आपा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखती, हर जुम्मे को वीडियो उनका आता है, तो आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। सलमान 2 महीना पहले भी आपा जेल से रिलीज़ हो गए, तो दूसरे दिन आपने वीडियो बनाए, बोले खुदा के वास्ते, बोले आप लोग है ना 40 दिन तक का ना कॉल करो ना कुछ करो। अरे तो 40 दिन तक कैसे इन्वेस्टर खामोश बैठेगा, और उसी वक्त आपने एक वीडियो डाल दिए। तो ऐसा आपको पैनिक फैलाना नहीं चाहिए, पहला तो आप अच्छे वीडियो भरते थे, लोगों को बहुत सुकून मिलता था आपकी आवाज़ से, आपकी बात से, फिर अभी 2 टाइम से आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी हम आपको क्या समझे, सपोर्टर समझे क्या, दुश्मनों को आगाह कर रहे हैं आप? हाँ अभी हम तो बहुत बड़े सपोर्टर ही समझते हैं, अभी भी समझेंगे, अगर आपके मुँह से ऐसा कैसा 2 बार गलती हो गई, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा, मेरे तो समझ के बाहर है। अभी आइंदा आप वीडियो भरेंगे तो सोच समझ के भरो, कोई इन्वेस्टर पैनिक ना हुए। अब वो 6 महीने का CCS ने नोटिस दे दिया आपा को, और आपने आके वीडियो में बोल दिए, उसमें क्या हो गया, सब पैनिक हो गए। अरे नोटिस खाली रख के अंदर अंदर कोशिश करके जल्दी पैसा मिलने की कोशिश करने का था, और वो करेंगे अलीमा डॉक्टर नवेरा शेख करेंगे, इतने दिन थोड़ी चुप कर देंगे। CCS के बाप का नहीं है वो डाटा, आपा की कंपनी का है, आपा तो कोर्ट का हुक्म मानेंगे, तो कोर्ट ने तो उनको देने का इजाज़त दी, तो आपा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे ना। लेकिन ऐसा बोल के पैनिक कर दिए, उसमें दुश्मनों को भी हंसी हो गई, और कुछ हमारे पूर्व वाले हैं तो वो भी है ना आपा का साथ देते, और ज़रा सा तारीख बढ़ी या कुछ हुआ तो आपा के खिलाफ हो जाते। एक ग्रुप के अंदर कमेंट में पूरे अलीमा डॉक्टर नवेरा शेख के ऊपर उंगलियाँ उठा रहे, मोटी बोल रहे, क्या क्या गंदे अल्फाज से गालियाँ गलौज कर रहे। हाँ उन लोग को तो मौका ही मिलता कि कैसा भी इन लोग का गलत का पॉइंट पकड़ ले और इसके ऊपर हम लोग उठे, तो मेरे ख्याल से इन लोग है ना सब है ना बोकस कंप्लेटर वाले, कंप्लेटर भी ऐसी गंदी हरकत नहीं करेंगे। जो बोकस कंप्लेट डाले ना वो लोग, और वो उसके शैतान के आदमी लोग है, उनका आका असदुद्दीन ओवैसी के आदमी लोग है। अरे तुम लोग जब इतनी आवाज़ उठाते पैनिक होते तो जाओ ना उसके ऊपर आवाज़ उठाओ ना, CCS वालों पे आवाज़ उठाओ, असदुद्दीन ओवैसी पे आवाज़ उठाओ, शैतान खान के ऑफिस में जाके आवाज़ उठाओ, तो कुछ बनेगा? उन लोग को जरा इतना तो भी लगेगा कि भाई हमारे ऑफिसों में आके सब हल्ला मचा रहे, तो उनका अपनी इज्जत का खौफ रहेगा। हाँ उन लोग का हाथ है डाटा रुकाने में, उन लोग का हाथ है। और अभी वो लोग आडियो में भर रहे, जो एक स्पीकर है वहाँ का ऑफिस का, जो रोज आडियो वीडियो बना के डालता है, तो वो लोग कल CCS जाएंगे, SFI में जाएंगे, तो जाने दो ना, हम लोग की चार्जशीट निकली, हमारा क्या ये क्या, तो जाने दो, जो करते करने दो, उसमें पैनिक होने का नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट ने आपा को इतनी कंपनी खोलने का और हमारे कंपनी चालू करने का हेड ऑफिस चालू करने की इजाज़त दे दी, ये तो इन लोग के ना चूहे मच्छर लोग से कुछ नहीं होने वाला, झिंगोर लोग से, समझे ना, वो लोग को किधर भी जाने दो या आखिरी में जहन्नम में जाएंगे वो लोग। लेकिन सलमान मिर्ज़ा आइंदा से आप है ना सोच समझ के वीडियो डालो, समझे, नहीं तो आपा तो आते हैं ना हर जुम्मे को, वो खुद डालेंगे अपना सोच समझ के। हाँ हम हाँ पहले से अलीमा डॉक्टर नवेरा के साथ है और रहेंगे, जैसा हमेशा वीडियो भरते थे आप ऐसा भरो, कोई इतराज़ तो नहीं है, मगर ये 2 बार आपने है ना वीडियो भरने से लोग पैनिक हो गए थे आपकी बात पे, ऐसा काम मत करो प्लीज़, समझे। आप इतने पढ़े लिखे होशियार है, कैसा आपकी ज़बान से ये बात निकल गई, मेरे तो समझ के बाहर है ये बात। और अलीमा डॉक्टर नवेरा के साथ हम थे रहेंगे, और जब तक हयात है जब तक उनका साथ देंगे हम, समझे। और ये कानून का पॉसिबल है, इसका प्रोसीजर में थोड़ा देर सबर लगता है, मगर जो 6 महीने का बोले वो गलत है, उसके बीच में आपा कुछ ना कुछ करेंगे, समझे। जितने भी मेरे हीरा ग्रुप के फैमिली है और कंप्लेटर नॉन कंप्लेटर पैनिक मत हो,
और लोग के बोलने से क्या हो, CCS के कुछ बाप का नहीं है जो जितने दिन चाहे उतने दिन लगाएंगे। यहाँ 25 लाख इन्वेस्टरों का सवाल है, हम लोग पहले परेशान हैं और परेशान करके ऐसा पैनिक मत करो। अभी अगले हफ्ते में रमज़ान है, अभी रमज़ान को 9 दिन बाकी है, तो इसके लिए थोड़ा सुकून की बात करो, कुछ सुकून का करो कि थोड़ा बहुत पैसा चालू हो जाएगा, सबकी हालत अच्छी सुधर जाएंगी। क्योंकि हम लोगों ने 3 रमज़ान नहीं करे, इंशाल्लाह ये रमज़ान में अलीमा डॉक्टर ना मेरा शेख कुछ ना कुछ करेंगे। चलो मेरे जितने भी हीरा फैमिली और आप लोग को मैं सलाम करती हूँ। चलो अल्लाह हाफिज़।